तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई इस टाइम हो रहे हैं 8:10 और मैं अभी उठा हूँ, कम से कम 8 बजे करीब। तो आज बहुत ही लेट उठा हूँ क्योंकि भाई रात थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, बाल कटवाने पड़ेंगे, देखते हैं। शायद से कल खुल सकते हैं सैलून, क्योंकि हमारे यहाँ बस 30 मई तक है ना लॉकडाउन। तो अभी मम्मी सब्जी काटती हुई गोभी की। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा भाई, आप वीडियो देखते हो तो पूरी वीडियो देखा करो, ऐसा नहीं कि आज ही देख लिया और आपने छोड़ दी। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो भाई कमेंट करो ना, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करो कि हाँ भाई कि हमको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, कि आप कुछ अच्छा कंटेंट करो, कंटेंट में सुधार करो। मैं उसमें कंटेंट में करूँगा अच्छा, क्योंकि जब आपको पसंद नहीं आएगी वीडियो तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करो कि हाँ भाई कि आपको इधर ऐसा करना चाहिए, इधर ऐसा करना चाहिए। तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं वो करूँगा सुधार। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, बोर हो रहे हो तो आप कमेंट कर दो नीचे कि हाँ भैया कि हम इस पार्ट बोर हुए थे, इस पार्ट को आपको सुधारना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जा रहा हूँ नहाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 4:40। तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ इस टाइम पे, अभी उसको टाइम मिला है, इससे पहले मैं कुछ कर रहा था। और भाइयों कल की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कल की वीडियो पक्का पक्का देखना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो क्या करते हैं अब। आज ना इसको मैंने कपड़े दिए हैं, इंसान लग रहा है इंसान। ये नहाता भी नहीं है, एक महीने में एक बार नहाता है। तुझे पता है डेली नहा रहा हूँ, ठीक है ना? डेली नहा रहा है, ऐ डेली नहाता है, रोज नहा रहा है, व्लॉगिंग। उतनी कुतनी आवाज कहाँ पड़ी थी? जब हाँ बात कर रहे हैं ये हमारे छोटे कलाकार लग तो रहा ना आई हो। जब उसमें आवाज आई ना मतलब पोपट हो गया, मतलब इतनी देर से ऐसे लगा हुआ पोपट हो गया आयुष का, पोपट हो गया। अभी तक हवा नहीं जा रही थी, आयुष का पोपट हो गया। Thank you.
भाई वो साइकिल ठीक हो चुकी है, तो आ जाओ उसकी टेस्टिंग करने चलते हैं। और जैसा मैंने इसलिए पहन क्योंकि बाहर जा रहे हैं, आंखों में धूल ना घुसे, आंखों का असर कम ना हो, तो आओ चलो साइकिलिंग करते हैं। ढीले तो मास्क अच्छा साइकिलिंग करें, कहीं टाइट मास्क को साइकिलिंग करो, सांस ना आए बस। तो भैया यहाँ पर साइकिल चलाने आया था, मौसम भी बड़ा अच्छा हो चुका है, सुहाना सा मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। ये देखो बड़ा ही अच्छा मौसम हो चुका है, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। और ये साइकिल ठीक करते हुए चलाने का अच्छा भी लगता है चलाने में। बाय द वे हमारे कोरोना के केस कम आ रहे हैं, तो मैं निकला हूँ साइकिल चलाने। और भाई यहाँ पर उतने मतलब कि लोग भी नहीं आते यहाँ पर, मतलब कि बिल्कुल सुनसान टाइप का रहता है इस टाइम। तो चलो मजे लो साइकिलिंग के। हमारी साइकिल है भाइयों, जो है हवा मेरे फ्रंट से आ रही है, तो बिल्कुल ही साइकिल चलाने में दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि सामने से हवा आ रही है, मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ हवा को चीरते हुए, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब चलो अब ठीक है, तो ब्लॉगिंग में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि देखो हवा चल रही तेज, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब ये देखो ये पेड़ यहाँ पे ना, जब लॉकडाउन नहीं था ऐसा चाय भी पता कैसे लोग आते हैं, जो दारू पीते हैं ना वैसे लोग आते हैं यहाँ पर। तो भाई जब हम जा रहे हैं अपने मंदिर के पास, वो दिख रहा होगा आपको मंदिर, पेड़ है बहुत सारे, हम काफ़ी नेचर के पास, हमारे यहाँ पोल्यूशन फ्री है, जो भी हमारा देश जो भी हमारा गांव है वो पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन का नामो निशान तक नहीं है। बट देखो यहाँ पे घर बन रहे हैं, बाद में मैं अपनी पूरी सेफ्टी के साथ आया हूँ बाहर, और ऐसे जगह आया हूँ जब कोई आता नहीं। तो बाय द वे भाई मैं पूरी सेफ्टी के साथ आया हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं पुलिस मैन रुक गया, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है इस टाइम, जोर लगाना पड़ेगा दम लगा के हईशा फाइनली। आइंदा भी हम मंदिर में आ चुके हैं,
यहाँ पर एक हैंड पंप में चप्पल उतार देते हैं। यहाँ पे यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, वो दिख रहे होंगे हनुमान जी अंदर, इनके चरण छू लेते हैं। और यहाँ पर है शनि भगवान, देखते हैं ये कौन सा भगवान है, कमेंट करके बताना मुझे, पता नहीं पड़ रही कौन सा भगवान है, पूछता हूँ ये कौन सा भगवान है, ये वाले कौन से भगवान है, काली जी का। तो एक काली माता का मंदिर है ये, चलो काली माता का भी पैर छू लेते हैं। बाय द वे हमारा मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ भी लग रहे हैं, तो यहाँ इस मंदिर को कुछ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं तो कुछ हम करते नहीं हैं। यहाँ पर वही है बस, ऐसे चलती रहती है। ये बड़ा मंदिर है पीछे और ये छोटा मंदिर है। तो भाई चलते हैं घर, अब मैंने आपको अपना मंदिर एक्सप्लोर करा दिया है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन लगा है और इन्हें क्रिकेट खेलना है, देखो इन्हें क्रिकेट खेलना है, इन्हें क्रिकेट खेल, ये देखो दो और धोनी आ चुके हैं सामने से क्रिकेट खेलने, इनको इनको कोरोना से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है भाई, तभी देखते हैं साइकिल निकल पाते ही नहीं, निकल तो जानी चाहिए, वहाँ से निकल तो जाएगी खैर साइकिल। तो साइकिल निकल के अच्छी खासी हमारी यहाँ से, पापा जी देख रहे थे तो मैं पापा जी से फ़ोन लेकर आया, तो चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आज के ब्लॉग की झलक, मेरा ब्लॉग चल रहा है। मम्मी बाहर गई थी, कहाँ घूम के आई, तुझे क्या करना है बताओ ना, कहाँ घूम के आई बताओ ना, चलो तुझे क्या मतलब घूम कहीं घूम कर चलिए, जाते तो मास्क नहीं लगाते हो ना, जो गुस्से में क्यों हो मम्मी, हैं गुस्से में क्यों हो, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आज, हैं हाँ समझ दिखाओ। तो भाइयों एक मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है कि अगर आपके उस पर 3 टिक आते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब कि आपने कुछ मैसेज सेंड करा है तो अगर 3 टिक आते हैं तो मतलब कि आपका मैसेज को सरकार रीड कर रही है, और अगर 2 टिक आया है और एक रेड टिक है, मतलब 2 ब्लू टिक है और एक रेड टिक है, तो आप सरकार एक्शन ले सकती है, और अगर आपके उस पर 3 रेड टिक आए हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस जो है दर्ज हो चुका है। तो भाई इस मैसेज को बिल्कुल भी आगे फॉरवर्ड ना करें, ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, इस मैसेज को बढ़ावा ना दें। अगर ये मैसेज आपको कोई भेजता है तो आप प्लीज़ उसको मना करें कि नहीं भाई कि हमको कि ये मैसेज गलत है, आप इसको रखो, हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको फॉरवर्ड ना करें क्योंकि ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, तो सारी बातें सच्ची नहीं होती, कुछ कुछ छोटी होती हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए विशेष करके। बाय द वे आज खाने में है रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मम्मी सुबह गोभी काट रही, मैं कहते हैं कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, तो चलो खाते हैं, अब खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो अभी जब मैंने साइकिल में हवा भरी थी ना तो मैं गया था साइकिल में बैठने के लिए, तो जैसे बैठा थोड़ी दूर चला तो पता पड़ा कि उसमें मतलब कि हवा मैंने भरी कम भरी थी, तो मैं फिर से साइकिल को लाया, फिर से खड़ा करा, फिर से उसमें हवा भरी, फिर से गया, तो ऐसा कुछ हुआ था आज। तो भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो पर अच्छे से कमेंट करना ताकि मैं उसको वीडियो में लूँ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो जब मैंने साइकिल में हवा भरी थी ना पिछले वाले टायर में, तो उसमें मैंने हवा भरी थी तो उसमें कम हो गई थी हवा, तो
मैं साइकिल लेके गया बाहर और थोड़ी दूर गया तो उस पर बैठा ना, तो हवा बिल्कुल कम थी, तो फिर मैंने फिर लाके खड़ी की दोबारा और फिर उसमें हवा भरा और उन्होंने मेरी वीडियो ख़राब कर दी और ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।